गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द फन द हैड स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे। इस स्टोरी को हम हाफ कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम इसको हम आगे का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस स्टोरी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन नेक्स्ट क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि मार्जी का जो ग्रेड्स है वो ऑटोमेटिकली गिर रहे थे, अपने आप गिर रहे थे। देन उसकी मम्मी को ये बुरा लगता है। देन वो किसे बुलाती है, मैकेनिकल टीचर को उसको ठीक करने के लिए बुलाती है। देन मैकेनिकल टीचर जब मार्जी का जो कंप्यूटर है जब वो ठीक करके जाता है, देन क्या होता है, मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जी क्या हो जाती है, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वो क्या होप कर रही थी कि ये जो टीचर है, मेरा जो कंप्यूटर है, ये जो मैकेनिकल टीचर है, काश उसे लेकर चला जाता। बिकॉज एक बार क्या हुआ था कि जब टोमी जो है, जो मार्जी का जो फ्रेंड है, जब उसका हिस्ट्री का सेक्टर जब पूरा ब्लैंक हो गया था, देन वो मैकेनिकल टीचर नियरली 1 मंथ के लिए क्या करता है, उसे उस कंप्यूटर को उसके घर से लेकर चला जाता है। देखो यहाँ पे सेम लिखा है, दे हैड वंस टेकन टोमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। ओके, देन नेक्स्ट, सो शी सेड टू टोमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। वो टोमी को क्या क्या कहती है कि कोई इसमें स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। देन नेक्स्ट, टोमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट अबाउट काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। देन टोमी क्या कहता है, स्टूपिड, ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं है, ये तो उस स्कूल के बारे में है जो स्कूल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर्स अगो हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। हंड्रेड एंड हंड्रेड ईयर्स अगो मतलब सेंचुरीज अगो, जो स्कूल बहुत साल पहले हुआ करते थे। माजी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। ओके, देन मार्जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। बिकॉज क्या है, उसे स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पुराने स्कूल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। देन क्या करती है मार्जी, टोमी के शोल्डर पे से वो बुक लेती है एंड देन वो खुद पढ़ना शुरू करती है। और क्या कहती है, देन शी सेड एनी वे दे हैड अ टीचर। क्या बोलती है वो, एनी वेज उनके पास में कोई टीचर होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी क्या कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर, श्योर उनके पास में टीचर थे बट वो कोई एक रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक ह्यूमन थे, इट वॉज अ मैन, वो इंसान हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। देन माजी क्या बोलती, ओ अ मैन, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टॉल द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। टॉमी क्या कहता है, वेल वो लोग क्या करते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क भी देते थे और उनसे क्वेश्चंस भी करते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मार्जी क्या कहती है, कोई इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज कॉल्ड अ बच्चा। मार्जी वॉजन्ट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। देन क्या बोलता है, टोमी कहता है, श्योर ऐसा ही होता था, वो ऐसे ही टीचर हुआ करते थे। देन मार्जी क्या बोलती है, ठीक है मैं अभी तुमसे डिस्प्यूट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी भी एक स्ट्रेंज आदमी को अपने घर के अंदर मुझे पढ़ाने के लिए अलाउ मैं नहीं कर सकती। टोमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टोमी क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी को क्या कहता है, मार्जी तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। देन टोमी क्या कहता है, मार्जी तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं पता है, जो टीचर हैं वो किसी एक घर के अंदर नहीं पढ़ाते हैं, वो किसी घर में नहीं रहते हैं, उनको एक स्पेशल बिल्डिंग होता है और वहीं पर वो लोग पढ़ाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड जो सारे जो बच्चे होते हैं वो एक ही चीज़ लर्न करते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, एंड वो भी सेम एज के। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू अ फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज़ एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली।
देन मार्जी क्या बोलती है, ओके बट मेरी मदर का ऐसा कहना है कि एक जो टीचर होता है वो बहुत एक एडजस्टेबल माइंड का होना चाहिए, बिकॉज एक लड़का और एक लड़की उन दोनों का जो दिमाग है वो एक जैसा नहीं हो सकता है, इसीलिए टीचर को जो है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट व्हेन दे इफ. अब टॉमी जो है वो मार्जी को कहता है अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम नहीं पढ़ो. आई डिडंट लाइक इट. मार्जी क्या बोलती है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया. मार्जी ने जल्दी से कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती है. दे वर नॉट इनफ हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. अभी वो लोग इस बुक को हाफ भी नहीं पढ़ पाए थे कि मार्जी की मदर मार्जी को बुलाती है कि मार्जी अब आपके स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्जी लुकड अप, नॉट येट मम्मा. मार्जी उसकी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है अभी नहीं हुआ है मम्मा. नाउ सेड मिसिज जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. देन अभी मिसिज जॉन क्या कहती है, अभी तो टाइम हो चुका है एंड अभी टॉमी का भी टाइम होने वाला है, उसका भी या फिर उसका भी हो चुका होगा. मार्जी सेड टू टॉमी. मार्जी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल. टॉमी को क्या कहती है, क्या इस बुक को मैं तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद में. मे बी ही सेड नॉन चैलेंजली. लेकिन जो टॉमी है उसको इतना इंटरेस्ट के साथ में जवाब नहीं देता है और क्या कहता है, मे बी. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्की ओल्ड बुक टकल्ड बिनिथ हिज आर्म. वो अपनी जो ओल्ड बुक है उसको लेकर वहाँ से चला जाता है. मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम. अब मार्जी क्या है, वो अपने स्कूल रूम की तरफ जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और वो स्कूल कहाँ पर है उसका, जस्ट उसके बेडरूम के पास में. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. अब जो उसका मैकेनिकल टीचर है अब वो वहाँ पे क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है. और वो किसका वेट कर रहा है, मार्जी का वेट कर रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. मार्जी का जो स्कूल है वो डेली होता है और एक सेम टाइम पर होता है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को. सैटरडे और संडे को मार्जी का क्या रहता है, छुट्टी रहता है. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. बिकॉज मार्जी की मदर का ये कहना है कि अगर कोई भी बच्चा अगर सेम टाइम पर पढ़ता है तो वो क्या करते हैं, उनके लिए वो लर्न करने में बहुत ईजी हो जाता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. अब जब मार्जी जैसे ही मैकेनिकल टीचर के सामने जाकर बैठती है तो स्क्रीन क्या होता है, जस्ट एक लाइटन अप हो जाता है. एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. देन उसको मैकेनिकल टीचर क्या कहता है, आज हम लोग अरिथमेटिक लेसन को पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप अपना जो कल का जो होमवर्क है वो स्लॉट में डाल दो. मार्जी डिड सो विद अ साइ. अब मार्जी वैसा ही करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. लेकिन क्या होता है, मार्जी को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, वो उसी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती है जब मार्जी के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे हुआ करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वो क्या सोचती है, वाओ वो टाइम वो स्कूल कितना अच्छा हुआ करता था ना, जब सारे बच्चे एक साथ स्कूल आते थे, एक साथ स्कूल से अपने घर वापस जाते थे, उनको सेम होमवर्क मिला करते थे, वो लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे. बट मार्जी के साथ में ऐसा नहीं था बिकॉज वो एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रही होती है. एंड द टीचर्स वर ऑल्सो पीपल. देन वो क्या सोचती हैं, कितना इंटरेस्टिंग था ना, एंड वहाँ के उनके जो टीचर थे वो भी इंसान ही हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड फ्रिक्शंस हाफ 1/2 एंड 1/4. देन जैसे ही मार्जी ये सोच रही होती है वैसे ही जो मार्जी का मैकेनिकल टीचर है वो एकदम से फ्लैश हो जाता है एंड वो वहाँ पे फ्रिक्शंस इंसर्ट करना ऐड कर देता है.
Machi was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Marji वही चीज़ सोच रही होती है पुराने स्कूल्स के बारे में कि वहाँ पर बच्चे कितना फ़न और कितना मस्ती किया करते थे. उसी के बारे में सोचते हुए वो वापस से अपने मैकेनिकल मतलब जो वो पढ़ाई करती है मैकेनिकल टीचर से उसकी तरफ वो फिर से मुड़ जाती है और वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है. देन यहीं पर ये स्टोरी आपकी ख़त्म हो जाती है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. कल हम इसकी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.